certa saia terá. सात समंदर पार बाप्पा के दर्शन को पहुंचे सितारे, न्यू जर्सी में बॉलीवुड सितारों ने किए बाप्पा के दर्शन। न्यू जर्सी में बाप्पा के दर्शन को उमड़ी भक्तों की भीड़। गणपति बाप्पा मोरिया की गूंज न्यू जर्सी समेत पूरे अमेरिका में सुनाई दी। गजानन के दर्शन के लिए उत्सव के तीसरे दिन भी भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। लाखों लोगों ने बापा के दर्शन किए और बापा से मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद मांगा। न्यू जर्सी में बापा के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं में बॉलीवुड की नामी हस्तियां भी शामिल हुई। एक ओर जहां बॉलीवुड के डिस्को किंग बप्पी लहरी बापा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा ईशा गुप्ता ने भी बापा के दर्शन किए और दुआएं मांगी। बॉलीवुड में बप्पी दा के नाम से मशहूर बप्पी लहरी ने बापा की आरती गाकर गजानन की भक्ति की। बप्पी दा ने न सिर्फ बापा के दर्शन किए और आरती गाए, बल्कि अपने कुछ फेमस गाने भी गाए। बन जाए ऐसा मिठू मिठू बोले यार, ऐसा मिठू का बन जाए ऐसा मिठू मिठू बोले यार। गणेश उत्सव के इस पावन पर्व पर बप्पी दा ने आज तक से खास बातचीत की। बप्पी दा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र आप जानते हैं ना, महाराष्ट्र का मुंबई शहर जो है। आज मैं बंगाल में पैदा हुआ, लेकिन मैं महाराष्ट्र का धरती को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्यों? आज बापी लहरी हुआ उनका धरती का आशीर्वाद से। और धरती में कौन है? सिद्धि विनायक गणपति बाबा। सबसे बड़ा जागृत है आज। इधर से आप कुछ मन से बोलिए, बाबा हमको कर दीजिए, हो जाएगा। और महाराष्ट्र में जो बाबा को लेके जो गणपति बाबा का जो फेस्टिवल होता है, ऐसा धमाल होता है 10 दिन तक। आज देखिए 10 दिन तक जो बॉम्बे में लाल बागचा राजा, सबसे ऊंचा गॉड, उनका जो पूजा होता है, एक एवरी डे 1,00,000-1,20,000 आदमी आते हैं खाली दर्शन करने के लिए। इससे मैं क्या बोलूं, बॉम्बे में आज बॉम्बे इंडस्ट्री, बॉम्बे शहर है बिकॉज ऑफ गणपति बाप्पा। उनका आशीर्वाद छोड़ के हम लोग कोई नहीं है, आज उनका कृपा है। बप्पी लहरी के साथ साथ ईशा गुप्ता ने भी न्यू जर्सी के वुड ब्रिज मॉल में विराजमान गणपति बाप्पा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। गणपति के दर्शन के लिए पहुंची ईशा गुप्ता पारंपरिक भारतीय परिधान में बेहद खूबसूरत नजर आई। ईशा ने ब्लू कलर का लहंगा पहना था, जिसमें वो बेहद आकर्षक लग रही थी। इस उत्सव में बॉलीवुड दीवा ईशा गुप्ता ने अपने डांस से लोगों का खूब मनोरंजन किया। ईशा यहाँ अपने कुछ फेमस गानों पर परफॉर्म करती नजर आई। छोटे छोटे बच्चों ने भी ईशा के साथ जमकर डांस किया। ये गणेश उत्सव ईशा को बेहद पसंद आया। ईशा ने इस इवेंट की काफी तारीफ की। साथ ही ईशा ने बताया कि सात समंदर पार भारत से दूर इस इवेंट में आकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो विदेश में नहीं
बल्कि भारत में ही है। ईशा ने कहा कि विदेश में गणपति के इतने भव्य आयोजन को देखकर उन्हें बेहद खुशी और गर्व महसूस हुआ। आई थिंक इंडिया का सबसे खूबसूरत बात यह है कि कोई भी फेस्टिवल हो, खासकर गणेश उत्सव की मैं बात करूंगी, कोई भी फेस्टिवल हो, हम इतने दिल और जान से विद ऑल द म्यूजिक एंड शोर हम मनाते हैं। आई थिंक दैट इज व्हाट गेट्स इंडिया टुगेदर, क्योंकि जो रंग हिंदुस्तान में वो कहीं और नहीं हो सकते। और वो अब मैंने जैसी मैं गाड़ी से उतरी, जो मैंने यहाँ पे रंग देखे, मुझे लगा मैं हिंदुस्तान वापस आ गई हूँ। और आई थिंक उससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग कोई नहीं हो सकती कि जहाँ भी आप जा रहे हो आप अपना पार्ट एक लेके जा रहे हैं। 5 दिनों तक चले इस गणेश उत्सव के 30वें दिन बॉलीवुड सितारों के अलावा अमेरिका के न्यूजर्सी के ही रहने वाले फेमस म्यूजिक कंपोजर और सिंगर स्पर्श शाह भी बाप्पा के दर्शन करने पहुंचे। इस मौके पर स्पर्श ने अपने अनुभव साझा किए। I'm 15 years old and I have osteogenesis imperfecta, also known as OI, and that is a rare genetic bone condition that causes your bones to be extremely brittle. So, you know, even if, let's say, someone gave me a very, very hard handshake, although nowadays it's not so true, but if I was younger, that would have broke my bones. And it stays with you. That's why I'm in a wheelchair. And because of that condition, I've had over 130 fractures throughout my life. 40 alone when I was born. It's a miracle that I even survived to be here, because the doctors gave me a day or two to live here on earth. Yeah. But I'm here, you know. I think it was all God's plan, and I think the way I've overcome it is through music, because music is a great gift and it connects people from all over the world, all different walks of life, you know, and inspires them. And I think also that my parents, the way they raised me with you know, the sanskar, and they raised me with the values that I hold very dear to my heart. इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने अपने म्यूजिक और डांस से लोगों का मन मोह लिया। उत्सव में बड़ी संख्या में महिलाएं बाप्पा को प्रसन्न करने के लिए लावणी करती नजर आई। ढोल नगाड़ों के साथ भक्त बाप्पा की भक्ति में झूमते नजर आए। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ही इस इवेंट में लोगों के खाने पीने का भी भरपूर इंतजाम किया गया। भारतीय पकवानों के स्टॉल्स पर भारी भीड़ दिखाई दी। लोग यहां गोलगप्पे, बड़ा पाव का जमकर स्वाद लेते नजर आए। क्या लग रहा है? It's really good. Special day hai Ganpati ji ki puja, abhishek aur abhinandan. So we are from southern part of India. Ji. So we make different types of modak. Mm-hmm. We call it korkatai. गणपति महोत्सव के इन 5 दिनों में भक्तों ने पूरी श्रद्धा से गणपति की उपासना की, और जो भक्त पूरी श्रद्धा से गजानन को पूजते हैं, उनकी हर मनोकामना को पूरी करने में गणेश जी देर नहीं करते। सिद्धि विनायक अपने भक्तों के मनोभाव को पढ़ लेते हैं। जो भी भक्त उनका जिस रूप में भी दर्शन करता है, वो उसी रूप में अपने भक्त का कल्याण करते हैं, और भक्त भी अपने बाप्पा से अटूट प्रेम को प्रदर्शित करने में पीछे नहीं रहते। एक्चुअली मैं तो प्रिंसटन से आई हूँ और काफी दूर से, और बहुत नाम सुना था तो बाप्पा को देखने, तो आई वांटेड टू सी, इतनी बड़ी मूर्ति प्रतिमा लगी है तो दर्शन देखना तो जरूरी था। मैं तो इधर एडिसन में ही रहती हूँ, सो मैं तो हर साल आती हूँ, एंड इट्स ऑलवेज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सो गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति लौकरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। वेरी नाइस, आई मीन बहुत भव्य, बहुत लार्जर देन लाइफ स्टैचू है, बहुत ही सुंदर है। हमने फर्स्ट टाइम, हम काफ़ी सालों से हैं, लेकिन हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए, क्योंकि ये इनको दिखाने थे ना, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट इनको दिखाना था, इसलिए यहाँ आए। कैन यू से गणपति बाप्पा मोरिया? गणपति बाप्पा मोरिया। इस भव्य समारोह को आयोजित करने वाले मुख्य आयोजनकर्ताओं में से एक थेवेन थेवे कुमार ने बताया कि इवेंट छोटा हो या बड़ा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जब तक लोग उनसे जुड़े हुए हैं, वो हमेशा समुदाय के साथ हैं।
Obviously, he's the first god. Everything starts with Ganapati. So anywhere when it's a Ganapati festival is going on, I will be there to make sure good beginning starts there. थेवन के अलावा इस इवेंट को co-host करने वाले माइकल वर्सुवियो ने भी अपने अनुभव साझा किए. Great time at the Ganesh Festival. Thank you for allowing us to co-host it. न्यू जर्सी में भारतीय परंपराओं और भारतीय संस्कृति से लोगों को जोड़ने वाले इस उत्सव में लोग भारतीयता के रंग में रंगे नजर आए. इस उत्सव ने लोगों को विदेश में भी अपने देश में होने का एहसास कराया और हर दिन के साथ ही गणेश उत्सव का तीसरा दिन भी बापा की महाआरती के साथ संपन्न हुआ. आज तक ब्यूरो.